नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश। आज आपको गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली में पथरी, जिसे कोलीलिथियासिस भी कहते हैं, इसके बारे में जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे बनता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसको रोका कैसे जा सकता है और इसका सही इलाज क्या है। दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखा जिसमें गलत जानकारी दी गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सही जानकारी मिले ताकि आप लोग इसका सही समय पे सही इलाज करवा पाए। हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसे लिवर कहते हैं, जिसमें पित्त बनता है। ये पित्त गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर होता है। जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है, और पित्त गॉल ब्लैडर से निकल कर आंतों में आ जाता है और वहाँ पाचन में मदद करता है। अगर ये आंतों में ना आ पाए या गॉल ब्लैडर में ही इकट्ठा होने लगे तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने लगते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जब हम फास्टिंग करते हैं तो ये पित्त गॉल ब्लैडर में ही रह जाता है और आंतों में नहीं आ पाता, गॉल ब्लैडर में ही इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से स्टोन्स बनने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, जो लोग ज़्यादा फास्टिंग करते हैं उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन का रिस्क ज़्यादा होता है। दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन्स दो तरीके के होते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स और दूसरा पिगमेंट स्टोन्स। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स मोटे लोगों में, जो लोग हाई कैलोरी डाइट खाते हैं उनमें ज़्यादा बनता है, और पिगमेंट स्टोन्स बाइल पिगमेंट्स के बने होते हैं। जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन पुराना हो जाता है या खराब हो जाता है तो बॉडी इसे नष्ट कर देती है और बाइल पिगमेंट्स बनते हैं जो स्टूल में निकल जाते हैं। कुछ बीमारियां जैसे हीमोलिटिक अनीमिया होता है, जिसमें खराब हीमोग्लोबिन होने की वजह से ये पिगमेंट स्टोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादातर 30 से 50 वर्ष की महिलाओं में ज़्यादा होता है। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होती हैं जिनको खाने से गॉल ब्लैडर स्टोन्स का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लक्षण के बारे में बताता हूँ। इसमें पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द होता है। ये दर्द खाना खाने के बाद ज़्यादातर होता है। इसकी वजह से एसिडिटी, पेट में जलन, उल्टी या बुखार भी हो सकता है। कभी कभी गॉल ब्लैडर का स्टोन गॉल ब्लैडर से निकल कर पित्त की नलकी में यानी कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है और वहाँ आकर फंस जाता है, जिसे हम कोलीडोकोलिथियासिस भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। इस कंडीशन में बाइल पिगमेंट्स बॉडी में इकट्ठे होने लगते हैं, जैसे स्किन या आंखों में, जिसे हम पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। ये कंडीशन बाद में सीवियर हो जाती है और बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे पैंक्रियाटाइटिस, कोलीसिस्टाइटिस या कैंसर कराती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ हो तो तुरंत अपने सर्जन को कंसल्ट करें, क्योंकि इस कंडीशन में दवा काम नहीं करती और कभी कभी मरीज को भर्ती भी होना पड़ सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन को अल्ट्रासाउंड में काफ़ी अच्छे से देखा जा सकता है। अगर आपको पीलिया है तो आपके डॉक्टर एक और जांच करा सकते हैं, जिसे MRCP कहते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट जैसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC या लिवर फंक्शन टेस्ट LFT कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें CT स्कैन या बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका ध्यान रखें और बेकार के टेस्ट से बचें। दोस्तों, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन किन लोगों में ज़्यादा होता है। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जो लोग फास्टिंग ज़्यादा करते हैं या जो लोग हाई कैलोरी डाइट खाते हैं, जैसे तेल, घी, जो लोग ज़्यादा खाते हैं, उनमें गॉल ब्लैडर का रिस्क ज़्यादा होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही होता है दोस्तों। अगर आपका स्टोन छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस में बताया गया है कि छोटा स्टोन दवाइयों से ठीक हो जाता है। प्लीज़ ऐसी बातों को इग्नोर करें, क्योंकि स्टोन 2 mm का हो या 20 mm का, इस पर कोई दवा का असर नहीं होता है। इसलिए इसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि आगे जाकर ये पैंक्रियाटाइटिस या कैंसर जैसी बीमारी करा सकता है। जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है या जिन्होंने इसका ऑपरेशन करा लिया है, उनको बता देना चाहता हूँ कि आप घी, तेल, तली हुई सब्जियाँ या मसालेदार चीज़ें को अवॉइड करें, और अगर आपके पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द हो तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन दो तरीकों से किया जाता है। एक तो चीरा लगाकर, जो पहले किया जाता था, उसमें खून बहने का डर भी ज़्यादा होता था और चीरे का निशान भी आजीवन रह जाता था। दूसरा तरीका जो आजकल करते हैं, वो दूरबीन द्वारा है, यानी लैप्रोस्कोपिक द्वारा। इसमें मरीज को ऑपरेशन से एक दिन पहले एडमिट करते हैं और ऑपरेशन के अगले दिन ही पेशेंट खाने पीने लगता है और डिस्चार्ज भी हो जाता है। ऑपरेशन में कुल 30 से 45 मिनट लगते हैं, जिसमें 3-4 छोटे छोटे चीरे लगाए जाते हैं और स्टोन को गॉल ब्लैडर के साथ ही निकाल लिया जाता है, क्योंकि अगर गॉल ब्लैडर को छोड़ देंगे तो उसमें दोबारा स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो देखकर फ़ायदा हुआ होगा।
अगर किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट में डाल सकते हैं, और पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा दूसरा वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।